मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल डू वर्कशीट 10 ऑफ यूनिट 3. ओके, सो मेरे बेटा, मैंने आपको इससे पहले एक करवाया था फाइंड द एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड. अब हम कर रहे हैं फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. ये दोनों ही डिफरेंट मेथड है. अगर आपको सिंपल पेपर में आता है कि फाइंड द एलसीएम, तो आपके पास कोई भी तरीका, आप कोई भी मेथड कर सकते हो. चाहे आप मल्टीपल मेथड करिए, चाहे आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करें, राइट. पर मैं आपको एक बात क्लियर करूँगी मेरे बेटा, कि अगर आपको स्पेशली लिखा जाएगा कि फाइंड द एलसीएम बाय मल्टीपल मेथड, तो आप मल्टीपल ही मेथड करोगे. अगर आपको बोला जाएगा कि फाइंड द एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करोगे. ठीक है, अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 है, फिल इन द ब्लैंक्स. ये कोई फिलअप्स नहीं है कि हमने जस्ट उसको लर्न किया और एक एक वर्ड्स में हो गया. नो, ये सम्स है मेरा बेटा, जिसको फिलअप्स में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है. अगर आप इसको बुक पे करना चाहते, तो आपको बुक में इसको साइड पे सॉल्व भी करना पड़ेगा, तभी आप इसको बुक पे करेंगे. पर अगर आप बुक में नहीं करना चाहते, तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप इसको नोटबुक पे ही करिए. ठीक है, तो जैसे अब मैं आपको बताऊँगी कि करना कैसे क्वेश्चन. इन्होंने बोला था फिल इन द ब्लैंक्स, पर जस्ट ये है फाइंड द एलसीएम. एक्चुअल में ये एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं. ठीक है मेरा बेटा, अब एलसीएम का मतलब है मेरा पुत्र प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि प्राइम नंबर से डिवाइड करना है. नाम से क्लियर हो रहा है, प्राइम फैक्टराइजेशन के प्राइम नंबर से डिवाइड करो. तो इसके लिए ये मेथड आ गया. आप यहाँ पे 50 लिख दीजिए. ठीक है, अब आपने क्या करना है, और दूसरा क्या है आपके पास, 90. ये दोनों निकालने हैं आपने. पहला 15 को ले लीजिए. अब चेक करिए, पहला प्राइम नंबर है आपके पास 2. क्या 2 के टेबल में 15 आता है? नहीं आता है, तो 2 को छोड़ दो. 2 के बाद क्या मिलता है मुझे, 3. क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस, आता है ना. हाँ, तो मैंने 3 लिख दिया, तो 3 5 15, तो मुझे 5 पे मिला, तो 5 आ गया. अब क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नो. क्या 3 के टेबल में 5 आता है? नो. क्या 5 के टेबल में आता है? यस. तो 5 1 5, क्योंकि 5 एक प्राइम नंबर है. ठीक है, अब टर्न आती है हमारे पास 90 की. अब लास्ट में है 0, क्योंकि 90 इतना बड़ा टेबल नहीं आता मुझे 2 का, है ना. तो लास्ट में 0 है, तो 2 0 0 0, मतलब 2 से जाएगा ये, है ना. तो 2 आ गया. अब मेरे को डिवाइड करने के लिए मैं फिर से क्या कर लूँगी, एक लाइन लगा लूँगी रफ, जिसमें हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं अगर हमें डायरेक्ट डिवीज़न नहीं आता है. तो आप ऐसे लिख दोगे इसको, 90 को 2 से, 2 4 8, 1 0 2 5 10. ठीक है, तो कितना आ गया, 45. तो जी 45 आ गया. इसको डिवाइड करके मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकती हूँ, बट लेकिन अगर आप करोगे अभी, क्योंकि अभी आप जस्ट नया नया मेथड सीख रहे हो, अगर जब आप ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा. फिर अभी ना डिवाइड के भी आप लिख सकते हो कि इसका क्या आएगा. ठीक है, अब आया 45. अब फिर से चेक करो, लास्ट में 5 है, क्या 2 के टेबल में 5 आता है? नो. तो 2 के बाद क्या आता है, 3. क्या 3 से डिवाइड हो जाएगा? यस. देखो, पहले 3 का टेबल 1 तक, अगर मैं शॉर्टकट सिखाना चाहूँ आपको, या तो आप डिवाइड कर लो साथ में, या फिर 3 का टेबल तब तक बोलो जब तक 4 ना मिल जाए. 3 1 3, 3 2 6, 6 तो बड़ा हो गया, तो उससे पहले क्या आता है, 1 से गया, तो 3 1 3, 3 मिला ना. पर ये तो 4 है, कितना कम है, 1 कम है, तो वो 1 इधर जुड़ गया. कितना बन गया ये, 15 बन गया. तो 3 5 15, ये है शॉर्टकट तरीका जैसे हम सीखते हैं मेरा बेटा. ठीक है, अगेन 15. क्या 3 के टेबल में 15 आता है? यस. 3 5 15, 5 आ गया. तो 5 किसके टेबल में आता है? 5 के ही आता है, क्योंकि 5 प्राइम नंबर है. अब हम लिखेंगे यहाँ पे मेरा बेटा, प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 15. दूसरा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इक्वल टू, राइट. अब प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 5, और दूसरी क्या आ गई, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5. अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम ऑफ 15 एंड 90, एलसीएम. अब इसमें क्या करना है, वहाँ तो हम फाइंड आउट कर दीजिए कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा. अब इसमें ऐसा नहीं चलेगा. इसमें आपने क्या करना, आप मुझे बताइए कितने टाइप्स के डिजिट है. एक इसमें 2 है, एक इसमें 3 है, और एक इसमें 5 है. तीन ही टाइप के डिजिट्स हैं ना. तो अब मुझे बताओ, 2, पहले 2 ले लेते हैं, दोनों में 2 किसके पास है, सबसे ज़्यादा 2 किसके पास है, सिर्फ 90 के पास है, और वो भी एक ही है, तो वो मैंने 2 लिख दिया मल्टीप्लाई. ठीक है, अब क्या आया, 3. सबसे ज़्यादा 3 किसके पास है, 90 के पास. कितने 3 हैं, 2, तो दोनों 3 लिख लो. जिसके पास ज़्यादा होंगे उसी के 3 लिखे जाएंगे, दूसरे को इग्नोर कर देंगे.
अब सबसे ज़्यादा फाइव किसके पास है? अब आप बोलोगे दोनों के पास एक एक है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है, तो आप एक ही फाइव लिखेंगे, क्लियर है? क्योंकि दोनों के पास एक एक था तो आप एक ही लिखेंगे, ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, 2 5 10, 10 9 90, तो आपका जो है एलसीएम आ गया मेरा बेटा 90 आ गया, ठीक है? एक सम और कर लेते हैं, फिर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अब मैं करती हूँ बी पार्ट, इसलिए मैं बोल रही थी कि आप इसको नोटबुक पे ही करना। अगला है एलसीएम किसका, 18 and 24, ठीक है? क्योंकि जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी ऐसे ही होगा। तो अब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, पहले 18 को निकाल लो, दूसरी 24 की, 18 और 24। अब 18 2 के टेबल में आता है, यस, 2 9 18, 9 पे मिला मुझे, ठीक है? अब कि 2 के टेबल में 9 आता है, नहीं आता है, तो 2 को छोड़ दो, 2 के बाद क्या मिला मुझे, 3, 3 से आता है, यस, 3 3 9, कितने पे मिला, 3 पे मिला, ठीक है? और 3 किसके टेबल में आता है, 3 के, तो 3 1 3 1 मिल गया, फिनिश। नेक्स्ट 24, अब 2 से 2 का टेबल 2 तक, 2 1 2, फिनिश। अब 4 है, 2 2 4, 2 आ गया, अगेन लाइन। 12 2 के टेबल में आता है, यस, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 2 5, 2 6 12, कितने पे मिला, 6, 6 आ गया। नेक्स्ट अगेन 2 से गए, 2 3 6, 3 आ गया। अब 2 के टेबल में 3 नहीं आता है, किसके टेबल में आता है, 3 के आता है, तो 3 1 3 आ गया। अब हम लिख लेंगे इधर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 18 और दूसरा प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 24, तो देयरफॉर एलसीएम ऑफ 18 and 24, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है ना नीचे दिया, और ये भी आपका वैसे ही होगा। अब 18 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या क्या है, 2 × 3 × 3, तो 2 × 3 × 3, और 24 की 2 × 2 × 2 × 3, ठीक है? अब निकालना है मैंने एलसीएम, ठीक है? अब वही बात, हमारे पास कितने डिजिट है, हमारे पास 2 ही डिजिट है, एक 2 है और एक 3 है, बस 2 और 3 रिपीट हो रहे हैं ना, और तो नहीं कोई हो रहा, यस, एक 2 है और एक 3 है। तो अब मुझे बताइए सबसे ज़्यादा 2 किसके पास है, 24 के पास है, कितने हैं, 3 है, तो तीनों को लिख दो, 1 2 3, क्रॉस, फिनिश। मतलब जिसके पास ज़्यादा होंगे हम उसी के 2 लेंगे, बाकियों के इग्नोर कर देंगे। अब किसका मिला, 3, सबसे ज़्यादा 3 किसके पास है, 18 के पास, कितने हैं, 2 हैं, तो 3 × 3, ठीक है? अब इनको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4 4 2 8, है ना, 8 9 72, तो एलसीएम कितना आ गया आपका, 72 आ गया, ठीक है? तो ये था हमारा, इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। मैं एक सम और कर लेती हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलो मैं आपको करवाती हूँ डी पार्ट, ठीक है, डी, फिर उसके बाद आपने ये कर लेने, ठीक है, 20